नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मनसर लर्निंग चैनल में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा समर वेकेशन का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन में हम देख रहे हैं 24 जून 2019 यहाँ डेट डली हुई है, और रीशेड्यूलिंग वेकेशन शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल रनिंग इन स्टेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो दोस्तों, ये लेटर नंबर डाला हुआ है और नीचे लिखा है वेकेशन शेड्यूल 2019-20 समर क्लोजिंग स्कूल्स, और इसके नीचे लिखा है दोस्तों एक्सेप्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीतिज डिस्ट्रिक्ट। इसको छोड़ के जो ब्रेक आफ्टर रिजल्ट होगी दोस्तों, 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में 4 दिन की छुट्टियां होगी, और मॉनसून ब्रेक दोस्तों 26 जून से लेकर 2 अगस्त तक छुट्टियां दी गई है, और 38 दिनों की छुट्टी होगी। फेस्टिवल ब्रेक 2 डेज़ बिफोर दिवाली एंड 2 डेज़ आफ्टर दिवाली 4 दिनों की होगी, और विंटर ब्रेक दोस्तों 26 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 6 दिनों की छुट्टियाँ होगी, और कुल दोस्तों 52 दिनों की छुट्टियाँ विभाग के द्वारा दी जा रही है। और फॉर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मानसून ब्रेक 23 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में होगी दोस्तों, और दशहरा ब्रेक 10 दिनों की होगी, और विंटर ब्रेक 26 दिसंबर टू 11 जनवरी 17 दिनों की होगी दोस्तों, और फेस्टिवल ब्रेक 1 डे बिफोर दिवाली एंड 1 डे आफ्टर दिवाली टोटल 52। लाहौल स्पीति के लिए दोस्तों 17 जुलाई से 27 अगस्त के बीच में 42 डेज़ की छुट्टियां होगी, और दशहरा ब्रेक 10 डेज़ की रहेगी। विंटर क्लोजिंग स्कूल वेकेशन शेड्यूल फॉर किन्नौर पांगी एंड भरमौर, विंटर ब्रेक दोस्तों 1 जनवरी टू 15 जनवरी 46 दिनों की, मानसून ब्रेक दोस्तों 22 जुलाई टू 27 जुलाई 6 दिनों की, और अदर विंटर क्लोजिंग स्कूल के लिए मानसून ब्रेक दोस्तों 22 जुलाई टू 27 जुलाई के बीच में 6 दिनों की रहेगी, और फेस्टिवल ब्रेक 4 दिनों की, और विंटर ब्रेक रहेगी दोस्तों 1 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में, और ये टोटल 42 डेज़, और कुल मिला के दोस्तों 52 दिनों की छुट्टियां होगी। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।